हेलो, आज मैं बच्चों के बॉक्स में ले जाने के लिए शॉर्ट ब्रेक के लिए बहुत ही बढ़िया आइटम लाई हूँ। आप इसको लंच ब्रेक में भी दे सकते हैं बच्चों को। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो 5 अट्टा ब्रेड ले लीजिए आप, ठीक है, और जितना भी उसका साइड वाला एज है वो निकाल दीजिए, और फिर इसको एक बोल लेकर क्रश कर लीजिए, ठीक है। क्रश करके उसमें डाल लीजिए क्योंकि इसको हमको सोक करना है, ठीक है। और फिर इसमें हम डालेंगे 1/3 कप उपमा सूजी, और फिर 1/3 कप कर्ड, और उतना ही पानी, ठीक है। ये सब लेकर फिर हम कुछ सब्जियां चॉप करके रखेंगे और उसको डालेंगे। जैसे कि प्याज ले लिया 1/2 कप, 1/2 कप स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला ले लिया, और कैरेट ले लिया, बीट रूट ले लिया, इसमें हरी मिर्च डाल दी, थोड़ा सा जिंजर डाल दिया, ठीक है, और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। आप चाहें तो कोई इसमें दूसरी सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, आप इसमें बीन्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपके बच्चे का पसंद हो या ना पसंद हो उस हिसाब से सब्ज़ियाँ ऐड कर लीजिए। और फिर इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है, और इसमें फिर थोड़ा 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डाला है, ठीक है, नमक, और ये सारी चीज़ें डालकर अब 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी और फिर ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद 1/3 कप पानी आप फिर से डाल दीजिए इसमें, और कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिए। फिर एक पैन लीजिए, ग्रीस कर लीजिए उसको, और ये स्टील के पैन में भी बहुत अच्छे से बन जाता है। मैंने बनाया था पर मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छे से बन जाता है। यही है कि घी की मात्रा आपको थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है उसमें, ठीक है। तो ठीक है, चलिए फिर इसमें जितना भी बड़ा पैन हो उस हिसाब से ले लीजिए, और इसको हम एक ब्रेड का स्लाइस देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और वही साइज़ भी देंगे जैसे ब्रेड का, जो ब्रेड आपने काटा है ऐसा लगेगा जैसे उसी ब्रेड पे आपने कुछ बनाया है। तो ये थोड़ा फ़न हो जाएगा बच्चों के लिए, अच्छा लगेगा उनको देखने में, ठीक है। तो सुबह सुबह जब खाना बनाओ तो बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, उनमें से ही एक है, ठीक है। तो चलिए इसको ब्रेड जैसा बना दिया, ठीक है, कुछ थोड़ा थिक होगा, कुछ थोड़ा पतला होगा, बट साइज़ वैसा ही देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और फिर देखिए शेप वैसा ही दे दिया, ब्रेड जैसा लग रहा है ना। अब उसको पलटते समय फिर से मैंने क्लिक नहीं किया ऐसा हो जाता है मेरे साथ अक्सर, ठीक है। तो चलिए इसको फ्लिप कर लीजिए, बहुत आसानी से फ्लिप हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब एक साइड पूरा अच्छी तरह से कुक हो जाए तभी फ्लिप कीजिए, तब ये अच्छी तरह से फ्लिप हो जाएगा, टूटेगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। और ऐसे करके निकाल लीजिए, और इस इतने बैटर में करीब 6 तो आराम से बन जाएंगे, ठीक है, साइज़ पर डिपेंड करता है, छोटा बड़ा, तो 6 तो आराम से बनेंगे, और मैक्सिमम 7 भी बन सकता है, ठीक है। तो चटनी बना लीजिए, मैंने धनिया पुदीने की चटनी बनाई है और टोमेटो केचप है, और बच्चों को बॉक्स में दीजिए, बहुत ही खुश हो जाएंगे। आप खुद भी खाइए, इंजॉय कीजिए, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।